हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफाउंडली फिजिस्ट। सो आज की वीडियो है पार्ट टू ऑफ द एमसीक्यू सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की थी। ठीक है, तो इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव डिस्कस्ड वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, और आज की वीडियो में भी क्वांटम मैकेनिक्स को हम कॉन्टिन्यू रखेंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उनको डिस्कस करेंगे। सो दीज क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ दीज एग्जाम्स, बिकॉज आई हैव प्लान टू स्टार्ट टू एम सी क्यू सीरीज़। ये जो अभी बिगिन की हुई है इसका लेवल होगा 11th 12th इन बी एस सी का। ठीक है, तो ये जो है दिस सीरीज़ विल पर्टिकुलरली भी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर मास्टर कैडर, लेक्चरर, पी जी टी फिजिक्स लाइक ऑफ के वी एस, एन वी एस और डी ट्रिपल एस बी एंड अलॉन्ग विद दैट एम एस सी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम। जो एम सी क्यू सीरीज टू हम बिगिन करेंगे, ठीक है, जिसका आई विल ट्राई टू अपलोड वीडियो ऑफ दैट ऑल्सो टुडे। तो उस सीरीज का लेवल जो होगा वो बी एस सी एम एस सी होगा। बी एस सी के कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन एंड एम एस सी के क्वेश्चन जो हैं उस सीरीज़ में इंक्लूड होंगे। सो और वो बेनिफिशियल रहेगी स्टूडेंट्स के लिए जो लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सी एस ई आर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गेट का जो पेपर है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो डेफिनेटली वो उनके लिए हेल्पफुल होने वाली है। एंड वैसे आप जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, सजेस्ट आप दोनों एम सी क्यू सीरीज़ को जो है उसको फॉलो करें टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ द क्वेश्चंस, कि उनका लेवल अंडरस्टैंड करने के लिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में आते हैं। तो फिर बिगिन करते हैं आज का टॉपिक। सो द पीडीएफ ऑफ टुडेज वीडियो विल बी अवेलेबल ऑन माय टेलीग्राम चैनल एंड उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है उसकी नेचर क्या है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज लीनियर, सेकेंड इज क्वाड्रेटिक, थर्ड इज डिफरेंशियल इक्वेशन, फोर्थ इज डेरिवेबल। और ये क्वेश्चन जो है कल मैंने कम्युनिटी में पोस्ट भी किया था, बहुत ज़्यादा बच्चों ने जो है इसका करेक्ट आंसर दिया है। सो दिस इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, आयोटा एच कर्ट कर्ल साई अपॉन कर्ल टी इज इक्वल टू माइनस एच कर्ट स्क्वायर टू एम कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर टू ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट हो जाएंगे। फर्स्ट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, वी कैन क्लियरली सी इट इज़ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशिएशन यहाँ इन्वॉल्व है। सेकंड जो यहाँ पर पॉइंट करेक्ट होगा दैट इज़ लीनियर, ठीक है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहें तो ज़्यादा सही होगा। लीनियर क्यों है ये, बिकॉज जो साई है, साई जो वेव फंक्शन है दैट इज़ ऑफ द ऑर्डर वन, उसकी कोई हायर पावर तो इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। सो दैट्स वाई जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है इट इज़ अ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो दैट्स वाई यहाँ पर टू ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगी, ए एंड सी दोनों करेक्ट होंगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर टू इज इफ साई वन एंड साई टू आर टू सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन। कहते अगर साई वन एंड साई टू दोनों वेव फंक्शन जो हैं दे बोथ आर द सॉल्यूशन ऑफ अ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो इन फोर ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन जो है दैट विल आल्सो बी द सॉल्यूशन ऑफ दैट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। फर्स्ट ऑप्शन देखो क्या है, साई वन अपॉन साई टू, सेकेंड ऑप्शन इज साई वन इन टू साई टू, थर्ड ऑप्शन है साई वन साई टू अपॉन साई वन एंड फोर्थ ऑप्शन इज साई वन प्लस साई टू। तो यहाँ पर जो देखो, यहाँ पर उन्होंने बोला है कि जो साई वन एंड साई टू हैं ये दोनों श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं, तो यहाँ पर इनके अलावा और कौन सा जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। सो वन थिंग विच यू नीड टू नो इज दैट साई इज़ अ लीनियर वेव फंक्शन। हमने देखा ना, जब हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन देखी वहाँ पर भी हमने यही बात देखी कि साई का जो है दैट इज़ द ऑर्डर वन है, उससे ज़्यादा ग्रेटर नहीं है। सो साई जो है इट इज़ अ लीनियर वेव फंक्शन, और यहाँ पर जो है आप इसको लीनियरली ऐड कर सकते हो। तो व्हाट आई विल से कि जो साई वन एंड साई टू अगर सॉल्यूशंस हैं देन साई वन प्लस साई टू विल आल्सो बी द सॉल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। सो दिस रिजल्ट हैज़ कम फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ स्टेट्स कहता है दैट जो साई वेव फंक्शन है उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेव फंक्शन में लिख सकते हैं जो वेव फंक्शंस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। सो थर्ड क्वेश्चन इज विच क्वांटिटी इज सेड टू बी डीजनरेट व्हेन एच साई एन
इज इक्वल टू ई साई एन, मीन्स यहाँ पर एन स्टेट, अगर आप एन को वेरी करोगे, एन इक्वल टू वन टू थ्री, अगर जैसे वन है यहाँ पर, देन एच साई वन इज इक्वल टू ई साई वन, एच साई टू इज इक्वल टू ई साई टू. तो यहाँ पर जो है व्हाट इट इज़ इंडिकेटिंग, डिजनरेट का मतलब क्या होता है, स्टेट्स आर हैविंग सेम एनर्जी, तो यहाँ पर जो है आइगन फंक्शंस विल हैव द सेम एनर्जी, जैसे यहाँ पर साई वन साई टू साई थ्री अप टू साई एन, दे विल हैव द सेम एनर्जी. दैट्स वाई यहाँ पर जो आइगन फंक्शंस होंगे दे विल बी, दे आर सेट टू बी डिजनरेट. तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज टनल इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ. टनल इफेक्ट के रिगार्डिंग हमने कब पढ़ा है, व्हेन द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज लेस देन द स्टेप हाइट, जो पोटेंशियल हाइट है उससे पार्टिकल की एनर्जी कम है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट एबल टू क्रॉस द पोटेंशियल बैरियर. लेकिन फिर टनलिंग फिनोमेना आता है दैट यस एनर्जी कम है बट देयर इज अ स्लाइट प्रोबेबिलिटी दैट पार्टिकल कैन क्रॉस द पोटेंशियल बैरियर इवन दो उसकी एनर्जी जो है पोटेंशियल बैरियर से कम है, उसको हम कह देते हैं टनलिंग. अब टनलिंग जो है या टनल इफेक्ट जो है इट इज़ बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल. सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. ठीक है, सो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर्स विद, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ठीक है, तो उसके लिए कौन से टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर रिक्वायर्ड. फर्स्ट यहाँ पर है ओनली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड है बाउंड एज वेल एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड है ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फोर्थ है नाइदर विद बाउंड नॉर विद फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है इट अकर्स विद ओनली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स. जो कॉम्पटन इफेक्ट है, बिकॉज इन कॉम्पटन इफेक्ट इलास्टिक स्कैटरिंग इज इन्वॉल्व, दैट्स वाई वहाँ पर जो है फ्री इलेक्ट्रॉन इज देयर सो दैट स्कैटरिंग कैन अकर. बट यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इट अकर्स ओनली विद बाउंड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, डिफरेंस ध्यान में रखना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है इट अकर्स विद बाउंड इलेक्ट्रॉन्स एंड कॉम्पटन इफेक्ट अकर्स विद फ्री इलेक्ट्रॉन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग मैटर वेव्स. मैटर वेव आर द वेव विच आर एसोसिएटेड विद द मटीरियल पार्टिकल. सो मैटर वेव्स क्या है, यहाँ पर लिखो मूविंग पार्टिकल जो है, द मैटर वेव्स एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल इज यूजली, जो मटीरियल पार्टिकल है वो मूव कर रहा है. ठीक है, तो जो मूविंग मटीरियल पार्टिकल है जो उसके साथ मैटर वेव्स एसोसिएट होती हैं उनको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैसे उनको कैरेक्टराइज कर सकते हो. फर्स्ट ऑप्शन है फाइनाइट मोनोक्रोमैटिक वेव ट्रेवलिंग विद द वेलोसिटी लेस देन दैट ऑफ लाइट. सेकेंड है एन इनफाइनाइट मोनोक्रोमैटिक वेव हैविंग अ फेज वेलोसिटी ग्रेटर देन दैट ऑफ लाइट. थर्ड इज एन इनफाइनाइट मोनोक्रोमैटिक वेव हैविंग अ फेज वेलोसिटी लेस देन दैट ऑफ लाइट. फोर्थ इज अ वेव पैकेज हैविंग ग्रुप वेलोसिटी इक्वल टू दैट ऑफ द मूविंग पार्टिकल. अ पार्टिकल जो है दैट इज मूविंग, इट मीन्स जो मैटर वेव होगी वो इनफाइनाइटली जो है उसका स्प्रेड होगा. तो यहाँ पर जो है हमें अब क्या करना है, पार्टिकल को लोकलाइज करना है सो दैट हम यस वी कैन प्रेडिक्ट कि हाँ यहाँ पर पार्टिकल अवेलेबल होगा. तो उसके लिए वी मेक यूज़ ऑफ अ वेव पैकेट. लोकलाइज पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेव पैकेट जो है उसको यूज़ करते हैं. और जो वेव पैकेट है इट इज़ हैविंग अ ग्रुप वेलोसिटी विच इज़ इक्वल टू दैट ऑफ द मूविंग पार्टिकल. सो दिस इज व्हाट द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ मैटर वेव. इट मीन्स जो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ वेव पैकेट व्हेन वी नीड टू लोकलाइज द पार्टिकल. और इन दैट केस जो वेव पैकेट की वेलोसिटी है उसको हम कहते हैं ग्रुप वेलोसिटी एंड दैट इज़ इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग पार्टिकल. सो यहाँ पर डी ऑप्शन विल बी करेक्ट. सो लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो यहाँ पर देखो क्या है, द पार्टिकल विद वेव फंक्शन ए इंटू ई रेस्ड पार के एक्स प्लस बी इंटू ई रेस्ड पार माइनस के एक्स रिप्रेजेंट्स. तो यहाँ पर हमें एक वेव फंक्शन गिवन है और हमें ये बताना है इस वेव फंक्शन को देखकर दैट इट इज़ रिप्रेजेंटिंग विच पार्टिकल. ए ऑप्शन है ऑसिलेटिंग पार्टिकल, बी इज़ मूविंग पार्टिकल, सी इज़ प्रोबेबल पार्टिकल, फोर्थ इज नो सच पार्टिकल. सो इफ़ यू टेक अ लुक एट द वेव फंक्शन, तो यहाँ पर देखो ना तो ये ऑसिलेट कर रहा है वेव फंक्शन, बिकॉज जब ऑसिलेट करते हैं देन आयोटा इज देयर. ठीक है, तो आयोटा नहीं है, इट इज़ नॉट रिप्रेजेंटिंग अ मूविंग पार्टिकल बिकॉज यहाँ पर जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ज़ीरो नहीं होगी. अगर आप साई एंड साई कंजुगेट जो है दोनों को फाइंड आउट करोगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यहाँ ज़ीरो नहीं होने वाली है. इट मीन्स इट इज़ रिप्रेजेंटिंग
एक ऐसा पार्टिकल, हाँ, दैट येस देयर इज़ सम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल विद इन अ बैरियर. तो यहाँ पर जो है दिस वेव फंक्शन इज़ रिप्रेजेंटिंग अ प्रोबेबल पार्टिकल. प्रोबेबल पार्टिकल का मतलब क्या होगा कि हाँ, इस जो हमारे पास जो हम बैरियर यूज़ कर रहे हैं, येस विद इन दैट बैरियर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल. सो दैट्स वाई हम क्या कहेंगे, दिस पार्टिकल जो यहाँ पर वेव फंक्शन है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग अ प्रोबेबल पार्टिकल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टनल इफेक्ट इज नोटेबली ऑब्जर्व्ड इन द केस ऑफ. ठीक है, तो यहाँ पर वी नो टनलिंग इज देयर. टनलिंग में पता है दैट, जैसे मैंने बात की पहले भी, कि पार्टिकल हैज़ अ लेस एनर्जी टू ओवरकम द बैरियर इवन दो इट ओवरकम द बैरियर. पार्टिकल के पास उतनी एनर्जी नहीं है दैट वो बैरियर को क्रॉस कर सके, बट फिर भी हम कहते हैं येस देयर इज अ स्लाइट प्रोबेबिलिटी दैट पोटेंशियल बैरियर को वो क्रॉस कर जाए. तो हमारे पास एक टनलिंग का फार्मूला होता है, सर्टन कंडीशंस हैव गॉट सैटिस्फाइड, देन वी से येस पार्टिकल कैन क्रॉस द बैरियर. तो टनल इफेक्ट जो है दैट इज़ नोटेबली ऑब्जर्व्ड इन अल्फ़ा पार्टिकल्स. ठीक है, तो अल्फ़ा पार्टिकल में ज़्यादा देखा जाता है, इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन इसकी अच्छे से हो सकती है रदर देन इन एनी अदर पार्टिकल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन रिगार्डिंग टनलिंग. क्वेश्चन देखो क्या है, द ट्रांसमिशन बेस्ड ऑन टनल इफेक्ट इज दैट ऑफ अ प्लेन वेव थ्रू. तो जब हम टनल इफेक्ट देखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो प्लेन वेव है वो कौन से बैरियर के थ्रू पास करती है. फर्स्ट है सर्कुलर बैरियर, सेकेंड इज ओपेक बैरियर, थर्ड इज रेक्टेंगुलर बैरियर, फोर्थ इज इनफाइनाइटली स्मॉल बैरियर. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज रेक्टेंगुलर बैरियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज ई लेस देन वी. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक ग्राफ है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि ग्राफ का कौन सा रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो एनर्जी है वो पोटेंशियल बैरियर से कम है. तो यहाँ पर फर्स्ट देखो जो ए रीजन है, वहाँ पर देखो आप ग्राफ में जो पार्टिकल है वो आराम से जो है मूव किया, ऑसिलेट हुआ. जैसे हमने देखा फर्स्ट पार्ट रीजन में जो है पार्टिकल इट ऑसिलेट्स, तो ऑसिलेशन हुई उसकी. सेकेंड रीजन में पार्टिकल ऑसिलेट नहीं कर पाया, बट इवन दो सम हाउ इट मैनेज टू मूव टूवर्ड द रीजन सी. तो यहाँ पर आपको अब आई नो क्लियरली पता चली क्या होगा कि विच रीजन इज़ रिप्रेजेंटिंग एनर्जी लेस देन वी. यहाँ पर देखो जो बी रीजन है वहाँ पर ऑसिलेशन रुक गई, बट स्लाइटली जो है फिर भी आगे मूव कर गया. तो यहाँ पर बी रीजन जो है इट इज़ रिप्रेजेंटिंग एनर्जी लेस देन वी, एंड बी रीजन के होते होते वहाँ पर टनलिंग इफेक्ट शो हो रहा है कि एनर्जी देखो पोटेंशियल बैरियर से कम है. इवन देन पार्टिकल जो है इट हैज़ पास द बैरियर, क्रॉस द बैरियर, कैसे, बिकॉज ऑफ द टनलिंग फिनोमिना. तो यहाँ पर जो बी रीजन है, ठीक है, दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग एनर्जी लेस देन वी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप जितने भी हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए सारे आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे. सो इस एमसीक्यू सीरीज़ का जो नेक्स्ट वीडियो होगा दैट विल ऑल्सो बी रिलेटेड टू क्वांटम मैकेनिक्स. उसमें जो है हम और क्वेश्चंस जो हैं क्वांटम मैकेनिक्स के उनको डिस्कस करेंगे. जो एमसीक्यू सीरीज़ 2 जो मैं बिगिन कर रही हूँ, विच आई सेड विल बी ऑफ सम हायर लेवल, तो वहाँ पर जो है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स से आई विल बिगिन दैट एमसीक्यू सीरीज़, एंड आई विल ट्राई टू अपलोड टुडे द फर्स्ट वीडियो ऑफ दैट सीरीज़ एज वेल. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो उसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है.